सभी छात्रों का स्वागत है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अब अपना अपना माइक बंद किए रहिएगा, कोई अपना माइक नहीं चालू करेंगे। मैं सबको म्यूट कर देता हूं, सबके माइक बंद कर देता हूं। जब पढ़ा लेंगे, डिस्कशन की बात आएगी 10 मिनट, इसके बाद ही माइक हम स्टार्ट करेंगे। पिछले दिनों हमने अनुसंधान के बारे में जाना, समझा कि अनुसंधान है क्या, चाहे वो वैज्ञानिक अनुसंधान रहा हो और चाहे समाजशास्त्र या अन्य विज्ञानों में किया जाने वाला अनुसंधान रहा हो। रिसर्च एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है। ऐसा नहीं कि हम समाजशास्त्र में ही अनुसंधान करते हैं, अनुसंधान हर विषय और हर क्षेत्र में होता है। समाजशास्त्र हो, चाहे राजनीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो या विज्ञान हो, अनुसंधान के कारण ही आज जिस सदी, विकसित सदी को आप देख रहे हैं, वो अनुसंधान का ही परिणाम रहा है। अगर अनुसंधान न होता तो जो नई नवीनता आती है वो हमको नहीं दिखाई देते। ये अनुसंधान का ही परिणाम है कि मैं यहां कॉलेज में बैठ के पढ़ा रहा हूं और आप घर बैठ के पढ़ रहे हैं। अरे पूरी दुनिया आप अपने जेब में लेके चलते हैं, जहां चाहे जिससे चाहे आप बात कर सकते हैं, जिस देश में चाहे आप बात कर सकते हैं। तो ये अनुसंधान का ही परिणाम है और इसी अनुसंधान ने हमें दूरगामी पहाड़ों पर्वतों से लेकर के चंद्रलोक और मंगल ग्रह तक की पता लगा लिया। अब हमें इसी अनुसंधान को समाजशास्त्र में देखना है कि समाजशास्त्र में सामाजिक अनुसंधान कैसे करते हैं। सामाजिक अनुसंधान बंद कर दो, समाज में होने वाला अनुसंधान है। आप जानते हैं कि समाज मनुष्य की सबसे मेधावी कृति है। अगर समाज नहीं होगा तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम समाज में ही रह करके अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अपने जीवन की सारी समस्याओं को दूर करते हैं, समाज की जो समस्याएं होती हैं उसको दूर करते हैं। तो ये सामाजिक अनुसंधान एक बृहद अवधारणा है। अब सामाजिक अनुसंधान है क्या? अगर हम समाज शास्त्रियों की नजर से देखें तो विभिन्न समाज शास्त्री अनुसंधान के बारे में अलग अलग अवधारणाएं दिया, जैसे बोगार्डस। बोगार्डस कहते हैं कि साथ साथ रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करना ही सामाजिक अनुसंधान है। क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं, मनुष्य जो कार्य करता है उसके कार्य के फलस्वरूप बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती, सकारात्मक चीजें भी आती हैं और नकारात्मक चीजें भी आती हैं। आप प्रतिदिन अखबारों में पढ़ते हैं कि बहुत सारी घटनाएं घटती, तो वो घटनाएं क्यों घटी, उस घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज में, समूह में,
व्यक्तियों में, परिवार में, अगर हम उनका पता नहीं लगाएंगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, ऐसी घटनाएं जन्म लेती रहेंगी। तो हमें पता भी लगाना पड़ता है। तो जब हम किसी वास्तविक नतीजे तक पहुंचने का प्रयास करते हैं समाज में घटित होने वाली घटनाओं के, तो वो सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही पहुंचते हैं। तो समाज में जो अनुसंधान किया जाता है, क्योंकि समाजशास्त्र की प्रयोगशाला क्या है, समाज ही है। जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इन सब की अपनी लेबोरेटरी होती है, वहां पे हम परीक्षण करते हैं और उन निष्कर्षों को फिर हम लागू करते हैं। तो समाजशास्त्र की जो प्रयोगशाला है वो समाज है, क्योंकि समाज में घटनाएं घटती हैं और उन घटनाओं से प्रभावित कौन होता है, मनुष्य ही प्रभावित होता है। तो बोगार्डस इसीलिए कहते हैं कि व्यक्तियों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करना ही सामाजिक अनुसंधान। इस कड़ी में पीबी यंग का भी अपना अलग मत है। पीबी यंग भी समाजशास्त्री, वो कहते हैं, उनका मानना है कि हम सामाजिक अनुसंधान को एक वैज्ञानिक कार्य के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज या पुराने तथ्यों को और उनके अनुक्रमों, अंतर संबंधों, कारणों एवं उनको संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों की खोजना है। हम देखते हैं कि पीवी यंग ने विस्तृत परिभाषा दी है सामाजिक अनुसंधान की। वो ये कहते हैं कि सिर्फ नवीन ज्ञान प्राप्त करना ही सामाजिक अनुसंधान नहीं है। अगर पहले से कोई घटना घट गई है और उस घटना का क्या प्रभाव पड़ा है, या जो पुराने तथ्य हैं समाज में वो कितने प्रभावी हो रहे हैं, इन सारी चीजों को अध्ययन करना भी सामाजिक अनुसंधान के दायरे में आता है। अर्थात सामाजिक अनुसंधान वर्तमान का भी अध्ययन करता है, भविष्य का भी अध्ययन करता है, और जो अध्ययन हो गया है उनकी पुनर्परीक्षा भी करता है, टेस्टिंग, रीटेस्टिंग भी होता है। जैसे अगर हमें देखना है कि समाज में पहले बाल विवाह होते थे और अगर आप किसी परिवार के सदस्य से पूछेंगे कि बाल विवाह क्यों हुए, अगर उस समय जो अध्ययन हुए होंगे तो बहुत सारी सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं सामने आ जाएंगी। लेकिन अगर आप वर्तमान समय में बाल विवाह के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो अलग अलग तथ्य आएंगे। बहुत सारे वो अभिभावक जो ग्रामीण परिवेश में भी रहते हैं वो कहेंगे नहीं, अभी हम इसके पक्षधर नहीं है, लड़का और लड़की को पढ़ाना है, उसको आत्मनिर्भर बनाना है, इसके बाद फिर हम विवाह करेंगे। तो समय के साथ मान्यताएं बदल जाती हैं, हर समाज की, हर देश की अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं। तो हम पीवी यंग के अगर परिभाषा पर गौर करें तो पीवी यंग ये कहते हैं कि क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज या पुराने तथ्यों को उनके अंतर संबंधों, कारणों एवं उनको संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों को भी खोजना है, उसका भी हमें अध्ययन करना है। तो ये बहुत ही विस्तृत
परिभाषा पीवी यंग ने दिया है। इसी तरह परिभाषा सीए मोजर की है। सीए मोजर कहते हैं कि सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नए ज्ञान की प्राप्ति, सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नए ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित अन्वेषण को हम सामाजिक शोध कहते हैं। तो सामाजिक शोध क्या कहता है, देखिए यहां भी वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, क्योंकि हर अध्ययन का अपना एक अपनी एक व्यवस्था होती है। ऐसे नहीं, हर अध्ययन की अपनी व्यवस्था होती और उस व्यवस्था के अनुसार ही हम अध्ययन करते हैं। करते नहीं करते, तो सिस्टेमेटिक ढंग का मतलब क्या होता है, व्यवस्थित। जैसे आप विज्ञान में करते हैं, विज्ञान में आप बात करते हैं, विज्ञान जब किसी प्रयोगशाला में आप जाते हैं तो उस प्रयोगशाला में जाकर के आप, जैसे केमिस्ट्री की प्रयोगशाला में गए, किसी पदार्थ का आप करते हैं तो सूंघने पर, घोलने पर, देखने पर, सूंघने पर, अम्ल में घोलने पर, इसके बाद फिर आप निष्कर्ष में पहुंचते हैं। हमारा मंगलयान असफल हो गया, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के कुछ मील पहले वो अपने ऑर्बिट से अलग हो गया। अब हमें उसका पता लगाना है, तो हम विज्ञान में खोज, विज्ञान में वहां उसकी जो प्रयोगशाला है नासा में, प्रयोगशालाओं में हम जाकर के देखेंगे कि आखिर वो कौन सी कमी रह गई कि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। तो व्यवस्थित अध्ययन समाजशास्त्र में भी होता है, क्रमबद्ध अध्ययन होता है। जैसे किसी घटना का आप अध्ययन करेंगे तो लोगों से पहले पूछेंगे, क्योंकि कोई घटना अगर घट गई है तो आपके अंदर एक जिज्ञासा आएगी कि एक घटना घटी क्यों। कोई आपके गांव में घटना घट गई या आपके पड़ोस में कोई घटना घट गई और उससे अनभिज्ञ है आप, नहीं जानते हैं, तो हमेशा पूछने का प्रयास करेंगे कि ये घटना क्यों घटी। ये जो प्रयास होता है वो जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासा हमारी मूल प्रवृत्ति होती है। अगर जिज्ञासा न होता तो कभी भी अनुसंधान न होता, कभी अनुसंधान हम ना कर पाते। न्यूटन ने गति का नियम कैसे लगाया, सिद्धांत, वो अपने बगीचे में बैठा था और एक सेब का पेड़, पेड़ से सेब का फल गिरता है, तो वो उसके अंदर जिज्ञासा आई कि ये जमीन पर क्यों गिरा। अगर आप किसी गांव के व्यक्ति से आप पूछेंगे जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत को नहीं जानता है, अगर आप उसे पूछ लीजिए कि आम का पेड़ है ये आम जमीन पे क्यों गिरता है, तो वो हंसने लगेगा और वो कहेगा कि ये इनका लड़का तो लगता है कुछ सनक गया है, ये जानता नहीं है अगर पेड़ से फल नहीं जमीन पे गिरेंगे तो क्या आसमान पे जाएंगे। वो इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं जानता। तो न्यूटन ने उसको दो बार ऊपर उठाया, फिर से वो गिरे, उसने पत्थर उछाला, बोले हो सकता है कि ये फल नहीं, फल आ गया हो, उसने पत्थर उछाला, पत्थर फिर से जमीन पे आया। यही जिज्ञासा उसके अंदर पैट कर गई कि हम ये पता लगाएंगे कि कोई भी वस्तु अगर उसको हम उछालते हैं तो जमीन पर ही क्यों आता है। और इस जिज्ञासा ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित किया और उसने अध्ययन किया। यही जो आप जो अंतरिक्ष है, जो आपके जो सैटेलाइट जाते हैं, तो सैटेलाइट कहां जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर उनको छोड़ा जाता है और वो लटकते रहते हैं।
वो चलते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। अगर वो पृथ्वी के अंदर रहेंगे, गुरुत्वाकर्षण के अंदर रहेंगे, तो कभी भी सफल नहीं होंगे, वो तो गिर जाएगा, कोई पृथ्वी अपनी ओर खींच लेगी। तो जितने भी सैटेलाइट होते हैं, ये जो हम आपकी पढ़ाई हो रही है, ये भी सैटेलाइट के माध्यम से ही हो रही है। तो जितने भी ये सैटेलाइट छोड़े गए हैं, वो सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर। और ये पुराने जमाने में भी एक कहावत है कि एक बार विक्रमादित्य ने तपस्या किया, कोई राक्षस था, बहुत दुराचारी व्यक्ति था, जो विश्वामित्र का बहुत बड़ा भक्त था, और उसने कहा मुझे स्वर्ग में स्थान चाहिए। तो बोले स्वर्ग में स्थान तो इसको ऐसे मिलने वाला नहीं, उन्होंने देवताओं से बात किया, अरे बोले इतने दुराचारी व्यक्ति को हम स्वर्ग में कैसे स्थान दे देंगे। तो उन्होंने तपस्या किया, अपने शिष्य के लिए तपस्या किया, बहुत कम ऐसे गुरु मिलेंगे जो शिष्य के लिए तपस्या करेंगे, है ना, वही गुरु मिलेंगे जो शिष्यों के प्रति समर्पित होते हैं, जिनको अपने बच्चों से लगाव होता है। तो उन्होंने उसके गुण और को नहीं देखा, गुण और दोष का नहीं देखा, उन्होंने कहा नहीं, इसने हमसे मांगा है तो हम इसको स्वर्ग में स्थान देंगे, और कठोर तपस्या किया, सारे देवता परेशान हो गए। और अंत में कहे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो अब पृथ्वी पे नहीं रहेगा, ये तो उसके लिए फिर एक अलग से लोक बनाया गया, जहां पर कहते हैं कि आज भी वो लटक रहा है, ना वो पृथ्वी पे आ सकता है और ना वो देवलोक में जा सकता है, बीच में ही रहता है। कहते ना हम अधर, आसमान से गिरे तो खजूर में अटके, एक कहावत भी है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया अगर न्यूटन ने, तो इसी जिज्ञासा के कारण प्रतिपादित किया। तो सामाजिक अनुसंधान, इन तीन परिभाषाओं को अगर हम देखें, बोगार्डस के, पीबी यंग के, सीए मोजर के, तीनों की एक समरूपता दिखाई देती है। तीनों कहते हैं कि व्यवस्थित अन्वेषण ही एक अनुसंधान होता है, और जब इस व्यवस्थित अन्वेषण को हम समाज में करते हैं, वो सामाजिक अनुसंधान होता है। परिवार में जब किसी दो लोगों के बीच लड़ाई हो जाती है, मान लो पति और पत्नी में मनमुटाव हो गया, नहीं बोल रहे एक दूसरे से, तो सास पता, मां पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्यों ये मनमुटाव हुआ है, ननद परेशान हो जाएगी कि ये मनमुटाव क्यों हुआ है। तो जब व्यवस्थित रूप से पूछेंगी, भाभी बताओ या भैया बताओ, बेटा बताओ, क्या बात हुआ, क्या बात हो गई है, और जब उस चीज को, क्योंकि ये जिज्ञासा है, जब तक वो पूछ नहीं लेंगे तब तक समाधान नहीं होगा। तो एक व्यवस्थित, आप देखते हैं बहुत सारी घटनाएं समाज में हो जाती हैं, हत्या हो जाती है, तो हत्या का हम ऐसे नहीं किसी को पकड़ लिए, हम उसका सिस्टमेटिक ढंग से खोज करते हैं, इसकी हत्या हुई है या आत्महत्या किया है, और उसके जो है विसरा या पार्ट्स को लेकर के भी जो है लैब में भी परीक्षण होता है, तो बता देते हैं कि नहीं, इसकी तो हत्या हुई है, आत्महत्या इसने किया ही नहीं। तो समाज में जो व्यवस्थित अनुसंधान हम करते हैं, बहुत सारी सामाजिक समस्याएं, जैसे अभी COVID-19 आया, जो कोरोना आया है, कोरोना ने हमारे पूरे सामाजिक जीवन को तहस नहस कर दिया, अव्यवस्थित कर दिया है। तो इस अव्यवस्था, अब धीरे धीरे इस पर भी खोज हो रही है, इस पर भी गहन अन्वेषण हो रहा है, वैक्सीन भी करीब करीब बन गई है, और ये माना जा रहा है कि दिसंबर के लास्ट तक कुछ देश वैक्सीन जारी कर देंगे। आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगले जुलाई तक भारत में 40 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगाने का हम प्रस्ताव बना रहे हैं। तो ये जो वैक्सीन भी बनी है, तो अन्वेषण होता है, सीधे मनुष्य पर वैक्सीन का प्रयोग नहीं होता, पहले चूहों पर प्रयोग होगा, बंदरों पर प्रयोग होगा, दूसरे जानवरों पर प्रयोग होगा, अब जब सफलता मिलेगी इसके बाद मनुष्य के ऊपर प्रयोग होता है। कोई भी दवाई होता है, कोई भी मेडिसिन होती है, कोई भी इंजेक्शन होता है, तो सीधे
लेबोरेटरी में बंद करके और सीधे मनुष्यों के पास नहीं आते। तो ये सबको बनाने में क्या होता है, जो प्रयोग होता है ये व्यवस्थित वैज्ञानिक अन्वेषण ही है, ये व्यवस्थित अन्वेषण ही है। फिर आता है सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल रिसर्च। अब ये कुछ हम हेडिंग आपको बताएंगे, आप उनको लिख लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है नेट के कारण, तो आप जो है उसको लिख लीजिए। पहला है सामाजिक जीवन से संबंधित, सामाजिक जीवन से संबंधित, रिलेटेड टू सोशल लाइफ। अब सामाजिक अनुसंधान क्या, सामाजिक जीवन से संबंधित होता है। हम कहां रहते हैं, समाज में रहते हैं, समाज में ही हमारी सारी क्रियाएं प्रक्रियाएं होती हैं। हम अच्छा भी काम करते हैं, कभी कभी गलत भी काम कर देते हैं जो समाज के लिए अच्छा नहीं है, परिवार के लिए अच्छा नहीं है, समूह के लिए अच्छा नहीं है, नातेदारी के लिए अच्छा नहीं है, मित्र के लिए अच्छा नहीं है। और बाद में जब उसका एहसास होता है तो हम उसको रियलाइज भी करते हैं और माफी भी मांगते हैं अपने कृत्यों पर। तो समाज में घटनाएं घटती हैं, बाल विवाह समाज में हो रहा है, विधवा पुनर्विवाह समाज में हो रहा है, अपहरण, हत्या, ये सब समाज में घट रहे हैं, ये सब सामाजिक जीवन से संबंधित है। दहेज, दहेज की भी कितनी घटनाएं हो रही, कितनी जागरूकता, सबसे ज्यादा कितनी भी जागरूकता फैलाई गई, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में एक लालच बना रहता है। इसके लिए अगर लड़कियां तय कर लें कि जो दहेज लेगा उसे यहां शादी नहीं करेंगे, तो देखिए किस तरह से जल्दी दहेज की प्रथा खत्म हो सकती है। एक अवेयरनेस आना चाहिए, एक जागरूकता आनी चाहिए, क्योंकि ये भी ये घटनाएं भी सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं कि ये सामाजिक जीवन से नहीं है, इनका प्रभाव पड़ता है। एक पेरेंट्स अपने बेटी के दहेज के लिए कितना ज्यादा तकलीफ सहता है वो जानते होंगे, आप लोग एहसास करते होंगे। अपने सारे जीवन भर की कमाई, कभी कभी ऋण, लोन, ये सारे जो है उसकी सारी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देते हैं। इसीलिए कहा था कि बेटी पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, आत्मनिर्भर बनेंगी तो लोग दौड़कर बेटियों का हाथ थामने के लिए आएंगे, लेकिन पढ़ने के बाद, अच्छा बनने के बाद, ये आपको अधिकार होगा कि हम कैसे जीवन साथी का चुनाव। अब जैसे पहले शादी विवाह होता था तो क्या होता था, शादी विवाह में माता पिता जहां कह देते थे वहां शादी हो जाते थे, लेकिन अब व्यवस्थाएं बदल गई हैं, अब सोच हमारी बदल गई है। हम बच्चों से भी पूछते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उससे भी पूछते हैं, उसकी भी राय लेते हैं। हालांकि अभी ग्रामीण एरिया में ये सारी चीजें बहुत कम दिखाई देती हैं, लेकिन ये बदल रहा है, धारणाएं बदल रही हैं। तो जो सामाजिक अनुसंधान होता है, धारणाएं क्यों बदल रही हैं, विवाह की आय क्यों बदल रही है। पहले विधवा विवाह को पाप समझा जाता था, विधवाओं को जो बंगाल में शुरुआत होती थी, अगर कभी वृंदावन अगर जाएं आप तो वहां बहुत सारे विधवा आश्रम मिल जाएंगे, जो विधवाएं होती थी उनको आश्रम में भेज दिया जाता था वृंदावन के। लेकिन अब धारणा बदल गई है, अगर कोई लड़की बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गई है तो उसका क्या दोष है, तो अब पेरेंट्स उनकी रीमैरिज करते हैं, पुनर्विवाह कर देते हैं, और समाज में ऐसे होने लगा। मेरे खुद परिवार में मेरे पिताजी ने ऐसे ही अपने परिवार की एक बेटी की शादी कराई थी, बहुत विरोध हुआ था, आज से 25-30 साल पहले की बात बता रहा हूं, बहुत सारी ये विरोध हुआ था, लेकिन चूंकि उनकी ये बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत ही अनुशासित शिक्षक थे और उनकी बात सब मानते थे, और जब उन्होंने ये बीड़ा उठाया, कुछ रिश्तेदार नाराज रहे, कुछ दिन तक नहीं आए, बोले न आने दो। फिर धीरे धीरे पता चला कि सब सामान्य हो गया और गांव में, आसपास के गांव में
इस तरह के बेटियों की शादी करने के लिए उनसे परमिशन के लिए आए कि हम भी करना चाहते हैं। तो वो कहते थे कि अगर आपने मन बना लिया है तो आप क्यों नहीं करेंगे। तो हमें इस बदलाव का भी अध्ययन समाजशास्त्र करता है कि जो सामाजिक जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, हमारे विचारों में, हमारी सोच में, हमारे मूल्यों में, हमारी संस्कृति में, हमारे आदर्श में, इन सब का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। चलिए, समाजशास्त्र एक बहुआयामी विषय है। आज समाजशास्त्र को इसीलिए मेडिकल साइंस में भी पढ़ाया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है समाजशास्त्र, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया जाता है, IIT में भी पढ़ाया जाता है। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्योंकि जब तक हम समाज को नहीं जानेंगे, समाज को नहीं समझेंगे, तब तक हम ये एक्सपेरिमेंट कहां करेंगे। तो पहली विशेषता होती है सामाजिक जीवन से संबंधित, रिलेटेड टू सोशल लाइफ। फिर दूसरी विशेषता है सामाजिक घटनाओं का अन्वेषण, सामाजिक घटनाओं का अन्वेषण, टू डिस्कवर सोशल फेनोमिना। अब घटनाएं कहां जन्म लेती हैं? समाज में लेती हैं। समाज में ही घटनाएं घटती हैं और उन घटनाओं का प्रभाव समाज में ही पड़ता है। अभी आपने देखी घटनाएं, हाथरस में मीडिया का आप देखते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, हाथरस में घटना घटी, कितना बड़ा उसका इम्पैक्ट पड़ा पूरे पूरे जो है भारत में। इसके पीछे राजनीति भी शुरुआत हुई है। और शासन क्या करती है? शासन क्या करेगी? पीड़िता को, पीड़ित परिवार को कुछ पैसे दे देगी, नौकरी के लालच दे देगी और कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे और उसी तरह का फिर दूसरी घटना घट जाएगी। अगर निर्भया आपने सुना होगा, आपने जाना होगा कि निर्भया की को कितने साल लगे उसको न्याय पाने में, उसके माँ बाप को अंत में फांसी हुई। अगर ऐसे अत्याचारियों को सीधे बीच चौराहे पे दंड दे दिया जाए तो फिर उनके दूसरी घटनाओं ऐसी घटने की हिम्मत नहीं करेगा, जैसा गल्फ कंट्रीज में होता है। लेकिन यहाँ ह्यूमन राइट्स आ जाएगा, मानवाधिकार आ जाएगा। वो भी है कि हम पीड़ित व्यक्ति तो है, लेकिन जिसने क्राइम किया है उसके भी अपने कुछ अधिकार है, वही ह्यूमन राइट्स वाले अलग से रागल अपने लगेंगे। तो हम सामाजिक घटनाओं का समाजशास्त्र क्या करता है? सामाजिक अनुसंधान में हम सामाजिक घटनाओं का अन्वेषण करते हैं और ये सामाजिक घटनाएं समाज को प्रभावित करती है। देखिए, इस महामारी में बहुत सारे लोग जो दूसरे शहरों में नौकरी करते थे अपनी जान बचा करके घर की ओर ही भागे, क्योंकि परिवार ही उनको दिखता है, फिर न सरकार दिखती है, न शहर दिखता है, न मित्र दिखता है, कुछ नहीं दिखता, सिर्फ परिवार दिखता है, गांव दिखता है। पैदल आए, कितने लोग पैदल आते आते दुर्घटनाओं के शिकार हो गए। अब यहां आने के बाद उनका जीवन कैसे बदल गया, उनके सामने भी बहुत सारी समस्याएं आ गई। जिन पैसों को कमा करके वो परिवार में माँ बाप को भेजते थे, वो पैसे कमाने के लाले पड़ गए और उसके प्रभाव में बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या भी कर लिया। तो ऐसे क्या, जब ऐसी घटनाएं समाज में घटती हैं तो हम उन घटनाओं का अन्वेषण करते हैं, टू डिस्कवर सोशल फिनोमेना। जो सामाजिक घटनाएं होती हैं, ये सामाजिक घटनाएं ही हैं, हत्या, आत्महत्या, बलवा, हिंसा, आर्थिक समस्याएं, ऋणग्रस्तता, गंदी बस्ती, ये सब सामाजिक समस्याएं, और इन समस्याओं का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। फिर तीसरा आता है, सामाजिक अनुसंधान की तीसरी विशेषता आती है नवीन तथ्यों की खोज, टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, नवीन तथ्यों की खोज। हम कोई भी अनुसंधान करते हैं, आप देखिए, आप जब किचन में मम्मी लोग या आप लोग कोई डिश बनाते हैं, कोई नई चीज बनाते हैं, तो हर बार एक नया टेस्ट आता होगा। इसको भी डाल दें, इसको डालने से क्या होगा, इसको भी डाल दें तो क्या होगा, टेस्ट बदल जाएगा,
गुड़ डालें कि शक्कर डालें, भूने कम, ये सारी चीजें क्या है, ये नई चीजें आती हैं, तो हर बार जो है नया टेस्ट मिलेगा आपको, और अंत में आपको वो टेस्ट मिलेगा जिसको सब लोग कहेंगे नहीं अब ये बहुत बढ़िया है, तो इसमें क्या क्या किया है हमने, वो नई बातें आएंगी। तो जो सामाजिक घटनाएं होती हैं, जो समाज में घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं का जब हम अध्ययन मनन करेंगे तो वो नई चीजें आएंगी। कभी कभी वो चीजें सामने आती हैं जिन चीजों की हमने कल्पना नहीं किया था। किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया, अब आत्महत्या क्यों किया है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। घटना एक होती है, उसने आत्महत्या किया है, तो आत्महत्या क्यों किया, हो सकता है परिवार में किसी से विवाद हो गया हो, तनाव में आ गया हो, इसलिए आत्महत्या किया। हो सकता है वो परीक्षा में सफल ना हुआ हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल ना हुआ हो, या किसी भी परीक्षा में तनाव में आ गया इसलिए आत्महत्या किया। हो सकता है कि वो किसी का उधार लिया हो, बार बार ऋण इतना उसके पास हो और इस ऋण को न चुका पा रहा हो और इस तनाव में उसने आत्महत्या किया। हो सकता है वो बीमार हो, गंभीर रूप से बीमार हो और देख रहा है कि परिवार के लोग बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, हम पूरे परिवार की आर्थिक व्यवस्था उसकी बीमारी में जा रही है, खत्म हो रही है, इसलिए उसने आत्महत्या कर लिया। हो सकता है उसका कहीं किसी से अफेयर चल रहा है, प्रेम चल रहा है और उस पर सफलता नहीं मिली, इसलिए आत्महत्या कर लिया। तो घटना एक होती है लेकिन उसके कारण कई होते हैं। ये कारण हमने देख लिया लेकिन बाद में पता चला कि ये कोई कारण नहीं है, उसको मार के लटका दिया गया है, उसकी तो हत्या की गई है, उसने आत्महत्या किया ही नहीं। तो जिसका अनुमान हम कर रहे थे, जिसका हम प्रिडिक्शन कर रहे थे, एक हाइपोथेसिस बना रहे थे, एक अनुमान लगा रहे थे, उपकल्पना बना रहे थे कि ये घटना हो सकती है, एक कारण हो सकता है, लेकिन वो कोई कारण नहीं आया। अध्ययन पे पता चला जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई, किसने आत्महत्या नहीं किया है, इसकी हत्या की गई है। तो नवीन तथ्यों की खोज होती है। अब जैसे आपसे बात कर रहा था कि मंगल ग्रह पे हमारा यान सफल नहीं हो पाया, अपने लक्ष्य से कुछ दूरी पहले ही हुआ खराब हो गया, तो उसका अब अध्ययन चल रहा है, अनुसंधान चल रहा है, उन तथ्यों की खोज की जा रही है कि हम आखिर लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाए, और फिर से जब वो जब उसका पता लग जाएगा तो हम फिर से मंगल ग्रह पर जाना की शुरुआत करेंगे और लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो नवीन तथ्यों की खोज होती है। जैसे बीमारी है, डॉक्टर आपको कोई बीमारी हो गई, बुखार हो गया, साधारण बुखार, आपने गोली खा लिया, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाओगे कि बुखार उतर नहीं रही है, क्या कारण है इसका, तो डॉक्टर कुछ नए चीज भी बताएगा कि नहीं इस कारण से नहीं उतर रहा है बुखार, ये चीजें आपको बीमारी हो गई है, आप गलत दवाई कर रहे हैं। फिर चौथी विशेषता होती है सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण। सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण, टू कंट्रोल सोशल फेनोमिना। सामाजिक घटनाएं, अब हम सामाजिक अनुसंधान क्यों करते हैं? सामाजिक अनुसंधान इसलिए करते हैं, सामाजिक अनुसंधान इसलिए करते हैं ताकि घटनाएं जो घट गई हैं उन घटनाओं का हल निकल सके, फिर से समाज में वो घटनाएं न आए। इसीलिए होता है ना, जैसे अभी COVID-19 है, ये कोरोना की महामारी है, तो वैक्सीन क्यों बनाई जा रही है, आपको क्यों कहा जा रहा है कि बार बार हाथ धोने के लिए क्यों कहा जा रहा है, आपको क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है ताकि कोई बीमारी आपके पास न आने पाए, इस वजह से बीमारी न आए। सैनिटाइज करिए क्यों कहा जा रहा है, ताकि ये घटनाओं पर नियंत्रण फैलने न पाए, जो इसका कम्युनिटी स्प्रेड है, जो सामुदायिक प्रसार होगा वो
न रहे। तो जब कोई घटना समाज में घटती है, अगर जैसे कि दहेज के कारण किसी लड़की की हत्या हो गई है और उसके पीड़िता को सबको दंड मिला है जिन्होंने इस घटना को जन्म दिया है, तो फिर से समाज में जो लोग देखेंगे सोचेंगे कि नहीं, हमें ऐसी ऐसे काम नहीं करना है, और ऐसा जब ताकि हमको भी इस तरह से दंड ना मिले। तो जब हम इस तरह से घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए, कि आखिर कभी कभी होते दंगे हो जाते हैं, जाति दंगे हो जाते हैं, तो दंगे क्यों हुए, उसके कारण क्या रहा, उन कारणों की खोज की जाती है सामाजिक अनुसंधान में, उन तथ्यों की खोज की जाती है जो तथ्य घटनाओं को घटित करने में जिम्मेदार होते हैं। जैसे र्यूमर, अफवाह है, पिछली बार जब मेरठ में दंगा हुआ था, इत्तेफाक से मुझे भी उस समय मेरठ यूनिवर्सिटी गया था और किस तरह से फंस गया था, और वहां भी बाद में पता चला कि तो अफवाह ने यहां पे दंगे करवा दिया। एक व्यक्ति आया, बोला इस जात के लोगों को मार दिया मौत, और दूसरी जगह गया कहा कि इस जात के लोगों ने मार दिया, और वो तो 9-2-11 हो गया, दूसरे गांव का था, दूसरी जगह का था, और यहां लोग एक दूसरे को मारने काटने में लगे। 4 दिन फंसा रहा और किस तरह से जो है उस वो स्थिति थी वो मैं जानता हूं। तो ऐसी घटना, उसके बाद मेरठ में फिर घटना नहीं घटी, इतने बड़े तनाव भी हुए लेकिन घटना नहीं घटी, क्योंकि उनका अध्ययन किया गया कि आखिर वो कौन था, वो व्यक्ति कौन था जिसने ये अफवाह फैलाई थी। तो सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए कि दोबारा समाज में ये घटनाएं न घटें, समाज में गंदी बस्ती का विकास न हो, समाज में दहेज प्रथा न हो, समाज में बाल विवाह न आए, इन पर नियंत्रण हो, इसलिए हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं। फिर अगली विशेषता होती है सामाजिक सिद्धांतों की खोज, सामाजिक सिद्धांतों की खोज, टू डिस्कवर सोशल थियोरी, सामाजिक सिद्धांतों की खोज। सामाजिक सिद्धांत जितने भी आपको बने हैं, दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत हो, अगस्त कामटे का 3 स्तरों का नियम का सिद्धांत हो, जितने भी आप थिंकर्स पढ़े होंगे, आधुनिकीकरण का योगेंद्र सिंह जी का सिद्धांत हो, ग्रामीण समाज का अध्ययन कर रहे हैं चाहे देसाई जी हो, चाहे ड्यूमा हो, चाहे एम एन श्रीनिवास हो, चाहे एस सी दुबे, श्यामाचरण दुबे हो, इन सब ने अध्ययन के बाद ही सिद्धांतों के निर्माण किया है। सिद्धांतों का निर्माण कैसे होता है, पहले जो विचार आता है जब हम फॉर्मेशन ऑफ थियोरी पढ़ाएंगे आपको, तो उसको और डिटेल से समझाएंगे। पहले विचार आता है एक व्यक्ति के अंदर है, और विचार क्या है, एक व्यक्ति के अंदर आता है, वो व्यक्ति फिर अपने विचारों को शेयर करता है, दूसरे के साथ शेयर करता है, कहता है यार हमारा ये आइडिया है, ये विचार है, उसको अच्छा लगता है तो तीसरे को बताता है, चौथे को बताता है, बहुत सारे लोग फॉलोवर्स हो जाते हैं, फिर वो उन अपने विचारों की टेस्टिंग करता है, समाज में बहुत सारे जो अंधविश्वास हैं, जो कुप्रथाएं हैं, वो जो है कहीं ना कहीं सिद्धांतों से जुड़े हुए। एक बेकर की किताब है, हॉवर्ड बेकर, उन्होंने किताब लिखी है डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी फ्रॉम लोर टू साइंस, समाजशास्त्र का विकास कथानक से लेकर के विज्ञान तक, समाजशास्त्र का विकास, सामाजिक सिद्धांतों का विकास। तो जितनी भी कहानियां किस्से हैं कहीं ना कहीं सिद्धांतों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अब जैसे
तुलसीदास की एक चौपाई है, आपतकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। कितने बड़े दार्शनिक विचार हैं, जीवन के दर्शन, पूरा जीवन का दर्शन इसमें समाया हुआ है कि जब हमारे सामने समस्या आती है, विपत्ति आती है, तो इन विपत्ति काल में इन्हीं की परीक्षा होती है, हमारे धैर्य की परीक्षा होती है, धीरज, कि हम कितने उन विपत्तियों को कितना सहते हैं। जैसे ये कोरोना का काल जो है, ये विपत्ति का काल ही है, तो हम उन विपत्तियों को सहते हुए कहीं हम डगमग तो नहीं हो गए। तो धीरज भी, हमारे कितना अंदर धैर्य है। कभी कभी परिवार में बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है, अनचाहे हुए कोई भी घटना घट गई और उसको कैसे सहते हैं माँ बाप, ये भी धैर्य है, धीरज, फिर धर्म। विपत्ति के समय में भी हमने अपने मनुष्यता का धर्म नहीं छोड़ा है, ये भी धर्म है। धर्म वही बन नहीं है कि हम पूजा करें, पाठ करें, तिलक लगाएं, अगरबत्ती लगाएं। सबसे बड़ा धर्म होता है मनुष्यता का धर्म। अगर हम मनुष्य हैं और मनुष्य के लिए नहीं सोचते हैं, तो फिर हम किसी के, हमारा वो धर्म बेकार है। तो धीरज धर्म मित्र, विपत्काल में मित्र की भी पहचान होती है कि वो आपका साथ छोड़ के चला तो नहीं गया, या आपका साथ दे रहा है। और नारी, स्त्री की भी पहचान होती है कि इस विपत्काल में, परिवार में विपत्काल पड़ा है, तो उसकी क्या भूमिका है। आप देखेंगे कि बहुत सारी महिलाएं होती हैं, बहुत धैर्यवान होती हैं और इस विपत्ति को बहुत झेल लेती हैं, साथ नहीं छोड़ती हैं, वो साथ देती हैं। तो ये जो मानक है, जो वैल्यूज हैं, जो हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में, ये जिन मूल्यों का पढ़ने को बात मिलती है, पढ़ने के लिए मिलता है, वो उन सबने सिद्धांतों, नए नए सिद्धांतों की खोज की में सहायक हुए। तो सामाजिक सिद्धांत जब हम टेस्टिंग करेंगे, जैसे आपको बताया था कि न्यूटन के अंदर ये विचार आया कि आखिर पेड़ से सेब क्यों गिरा, और इस जिज्ञासा को उसने लैब में जाकर के टेस्ट किया है, जिज्ञासा बढ़ती गई और अंत में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया कि पृथ्वी में एक सीमा तक गुरुत्वाकर्षण होता है और किसी भी चीज को वह अपनी ओर खींच लेगा। फिर अगली विशेषता है पारस्परिक संबंधों की खोज, टू डिस्कवर म्यूचुअल रिलेशनशिप। पारस्परिक संबंधों की खोज, कभी कभी घटनाओं में एक कारक नहीं होते हैं, बहुत सारे कारक हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की हत्या हो गई है, तो हत्या क्यों हुई है, पता चला कि वो दुश्मनी थी, किसी व्यक्ति की उसके साथ दुश्मनी थी, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता था उसको, तो उसने तीसरे व्यक्ति को चुना, तीसरे व्यक्ति को लालच दिया, तुम उसकी हत्या कर दो, इतना पैसा दूंगा। तीसरे ने चौथे पांचवें से कहा कि ये काम करना है, इतना पैसा मिलेगा, आपस में बांट लेंगे। तो आप देखें कितने लोग रिलेटिव। हम समाज शास्त्र में जब ऐसे घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो वो स्नोबॉल मेथड्स होता है, स्नोबॉल मेथड्स माने कड़ी से कड़ी जुड़ती रहती है। जैसे बाल होता ने गेंद एक स्थान से दूसरे पे गए, दूसरे से तीसरे गए, तीसरे से चौथे गए, चौथे से पांचवें गए, थोड़ा टाइम लगता है ऐसी घटनाओं में को समझने में और उनका हल निकालने में, उन यथार्थ तक पहुंचने में, लेकिन हम पहुंच जाते हैं। तो हम पारस्परिक उन संबंधों की खोज भी करते हैं कि ये इन घटना में एक दूसरे से क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप है।
अगर किसी ने आत्महत्या कर लिया है आर्थिक कारणों से, तो सोशल और इकोनॉमिक दोनों में म्यूचुअल रिलेशंस है। उसने ऐसे आत्महत्या नहीं किया क्योंकि वो आर्थिक समस्या थी और परिवार के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, इसलिए जो है उसने आत्महत्या की। तो ये टू डिस्कवर म्यूचुअल रिलेशनशिप, हम समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं में एक दूसरे ये पारस्परिक संबंधों की खोज भी करते हैं। तो इस तरह से समाजशास्त्र एक ही विशेषताएं, हमने आपको 6 विशेषताएं बताई कि समाज सामाजिक अनुसंधान जो होता है वो सामाजिक जीवन से संबंधित हो, रिलेटेड टू सोशल लाइफ, टू डिस्कवर सोशल फेनोमिना, टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, टू कंट्रोल सोशल फेनोमिना, टू डिस्कवर सोशल थियरी और टू डिस्कवर म्यूचुअल रिलेशनशिप। अर्थात सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन से संबंधित है, यह सामाजिक घटनाओं का अन्वेषण करता है, सामाजिक अनुसंधान नए तथ्यों की खोज करता है, सामाजिक अनुसंधान समाज में होने वाली घटनाओं पर नियंत्रण करता है। क्यों नियंत्रण करता है? कि ताकि समाज फिर से अव्यवस्थित न हो। अगर समाज अव्यवस्थित हो जाएगा तो पूरा सामाजिक जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अस्थिरता, जैसे परिवार होता है, अगर परिवार जैसे ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवार में रह रहे हैं और संयुक्त परिवार में कहीं खींचतान हो गई तो फिर पूरा परिवार ही प्रभावित होता है उससे। तो सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए भी हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं। और टू डिस्कवर न्यू थ्योरी, सामाजिक सिद्धांतों की खोज और पुनर्परीक्षा दोनों चीजें होती हैं। हम नए सिद्धांतों की खोज भी करते हैं और जो पुराने सिद्धांत हैं उनकी पुनर्परीक्षा होती है। जैसे अब आप पढ़ेंगे डेमोग्राफी में, जनांकी में, कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत हिंदुस्तान पे लागू हो रहा है कि नहीं लागू, इसका परीक्षण करना है, इसकी टेस्टिंग करनी है। तो आप सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रियाओं पर ही आएंगे, सामने आएंगे। तो सामाजिक सिद्धांतों की खोज भी होती है, नए नए सिद्धांतों का निर्माण होता है और जो पुराने सिद्धांत हैं उनकी पुनर्परीक्षा होती है। और पारस्परिक संबंधों की खोज, टू डिस्कवर म्यूचुअल रिलेशनशिप, कि एक घटना के पीछे कोई एक घटना के पीछे कोई एक तथ्य नहीं है, बहुत सारे तथ्य हैं। एक घटना के पीछे एक तथ्य नहीं होता है, बल्कि उन घटना के पीछे बहुत सारे तथ्य होते हैं और उन सारे बहुत तथ्यों का अध्ययन करना ही सामाजिक अनुसंधान का पता लगाना होता है कि हम सामाजिक अनुसंधान इस घटना के पीछे कौन कौन से तथ्य हैं। तो इस तरह से हमने सामाजिक अनुसंधान के बारे में आज बताया। कल जो है अगले लेक्चर में हम आपको सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति बताएंगे, फिर सामाजिक अनुसंधान के चरण बताएंगे, कैसे कैसे हम सामाजिक अनुसंधान को करते हैं, मूर्त रूप देते हैं, फिर सामाजिक अनुसंधान के प्रकार बताएंगे, को कितने तरह के सामाजिक अनुसंधान होते हैं, सामाजिक अनुसंधान कितने तरह का होता है ये भी बताएंगे। वर्णात्मक अनुसंधान है, अन्वेषणात्मक अनुसंधान है, मौलिक अनुसंधान है, व्यवहारिक अनुसंधान है, निदानात्मक अनुसंधान है, प्रयोगात्मक अनुसंधान है, मूल्यांकनात्मक अनुसंधान है, विश्लेषणात्मक अनुसंधान है। तो इन सारे अनुसंधानों को हम आपको बताएंगे। तो आज सिर्फ इतना ही हम बताएंगे करेंगे। अब जो भी पढ़ाया है इससे संबंधित कोई अगर आपके पास प्रश्न है, कोई आपको सवाल पूछना है, तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सिर्फ जो पढ़ाया हूं उससे संबंधित कोई सवाल आपको पूछना है सामाजिक अनुसंधान के बारे में, तो उन सवालों को आप पूछ सकते हैं। 5 मिनट थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए
कि हाँ हम डिस्कशन करें, भाग लें उसमें जो पढ़ाए हैं, ताकि हमको भी ये लगे कहाँ बच्चों को हमने पढ़ाया है और आपको भी लगे कि हाँ हमारी ये जिज्ञासा है, इस जिज्ञासा को कैसे समाधान हो सकता है। है कोई प्रश्न किसी को? सर हाँ आशीष। सर जैसे हमारे सोशियोलॉजी में जितने भी थिंकर्स के नाम आते हैं या सोशियोलॉजिस्ट के जितने भी नाम आते हैं, तो उन नामों में से ज्यादातर बाहरी नाम में क्यों आते हैं? अपने इंडियंस में क्या ऐसे लोग नहीं थे? ऐसा नहीं, बाहरी नाम अभी तक हम बाहरी लोगों को पढ़ते थे। अगर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट को पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे, क्योंकि समाजशास्त्र का जो उत्पन्न हुआ, जो समाजशास्त्र का जन्म हुआ वो 1838 में फ्रांस में हुआ। उस समय उसका प्रभाव यहाँ पे नहीं था विषय को लेकर के, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जो सामाजिक चिंतन की धारा थी वो दुनिया में सबसे पुरानी है। हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में आप देखेंगे तो सामाजिक समरसता की आपको बातें देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेगी। तो चूंकि समाजशास्त्र विषय के रूप में फ्रांस में प्रतिपादित हुआ और वहां पे जो है उसका जन्म हुआ, और फिर यूरोप में उसका पहले विकास हुआ, फ्रांस में विकास हुआ, फिर अमेरिका गया, फिर इंग्लैंड गया, फिर इस तरह से माने, फिर धीरे 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 वो विषय के रूप में भारत में आया। भारत में तो 1919 में आया, माने आज इस वर्ष जो है भारत में 100 वर्ष हो रहे हैं समाजशास्त्र के विकास के। ये जो काल है, और जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं वो बॉम्बे में अभी दिसंबर में बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला था बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, क्योंकि बम्बई विश्वविद्यालय में ही समाजशास्त्र का जन्म हुआ था पृथक विषय के रूप में। प्रोफेसर पैट्रिक गिड्स जो इंग्लैंड के समाजशास्त्री थे और यहाँ इंडियन में आकर उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। फिर इसके बाद जीएस घुरिए, रघुबी जीएस घुरिए उसके समाजशास्त्र के हेड बने। तो बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला था दिसंबर में, लेकिन अभी जो कोरोना के कारण हो सकता है कि वो पोस्टपोन हो जाए।